क्या आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं? अगर हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर मांगना चाहिए। फॉर्म 16 क्यों मांगना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म 16 अपने आप में एक टीडीएस सर्टिफिकेट है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कोई टीडीएस डिडक्ट कर रहा है और आप इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि क्या आपका टीडीएस वास्तव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्योंकि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो फॉर्म 16 आपकी सैलरी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके अलाउंसेस क्या हैं, आपके कितने डिडक्शंस हुए हैं, ये सब सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी। साथ ही साथ जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का डिटरमिनेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी टीडीएस के तौर पर कितना टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा चुके। अब वो टीडीएस आपका एम्प्लॉयर जमा कराएगा आपकी ओर से, जो आपकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर रहा था। अब क्योंकि आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से ये फॉर्म 16 डिमांड करना चाहिए, जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या तब भी हम फॉर्म 16 लें? तो देखिए, तब आप फॉर्म 16 तब लें जब आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम है, तो भी आपको फॉर्म 16 लेना चाहिए अपने एम्प्लॉयर से। रीजन बिहाइंड इट कि आपका फॉर्म 16, आपका सैलरी स्लिप, अगर वो फॉर्म 16 नहीं दे तो सैलरी स्लिप की डिमांड कीजिए, ये आपका इनकम प्रूफ है, क्योंकि इसी के बेस पर आप आगे होम लोन, कार लोन वगैरह ले पाएंगे। इसी तरह अगर आपको वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो भी आपके लिए ये सैलरी स्लिप, ये फॉर्म 16 होना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी इनकम का प्रूफ है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर लेना चाहिए। कई लोग ये फॉर्म 16 डिमांड नहीं करते अपने एम्प्लॉयर से, बट आपको करना चाहिए, ताकि आपके पास एक इनकम प्रूफ भी हो और आपका टीडीएस जो आपका जमा हुआ है डिपार्टमेंट के पास, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।